फ्रेंड्स वेलकम टू आई क्वांटा मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं सी यू टी यूजीटी ट्वेंटी कॉमर्स के, to in के थ्रू आप अच्छे से अच्छे कॉलेजेस जो आप टारगेट कर रहे हो वो आप ले सकते हो बिना किसी चीज की टेंशन लिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे होगी क्योंकि आई क्वांटा ने रिसेंटली लॉन्च किया है सीयू टी यूजी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव का ईयर लॉन्ग बैच इस बैच में हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव क्लासेस उसके साथ जो क्लासेस अगर मान लो आपकी छूट गई तो पूरी रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्डिंग्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं एंड वन मोर एलिमेंट ये जो रिकॉर्डिंग पूरे साल भर के लिए वैलिड हैं है so, ऐसा नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट मंथ की रिकॉर्डिंग्स आपको दोबारा से देखनी हो रिविजन परपज के लिए सो so आप देख सकते हैं इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आपके स्कूल के एग्जाम्स के बीच में आपकी पढ़ाई की लिंक टूट जाती है तो डोंट वरी आपकी वो लिंक को भी रिस्टोर करने के लिए जो क्रैश कोर्सेस हैं वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड हैं इस ईयर लॉन्ग बैच में ओके स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं तो वी प्रोवाइड यू डाउट क्लियरिंग सेशंस एज वेल दैट इज ट्वेंटी फोर सेवन डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है देयर इज़ अ कोर्स लिंक ऑल्सो जिसके पास जाके जिस लिंक पर आप एक्सेस करके और आप कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं द लिंक इज़ डब्ल्यू 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 डॉट आई क्वान्टा डॉट इन स्लैश सी यू ई टी स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट सीरीज इसके अलावा जो क्रैश है, है, कोर्सेज़ हैं लाइव क्लासेज़ हैं डाउट क्लियरिंग सेशन से ए टू जेड पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं सो डोंट वरी एट ऑल मोर फेदर जो इस पूरे कोर्स में है दैट इज द पर्सनल गाइडेंस टू कॉलेजेस वी हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ पीपल जिन कॉलेजेस में आप जाना चाहते हो वो वहाँ से या तो पास आउट है या वहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं सो so, वो लोग आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ आपके साथ गाइडेंस सेशन लेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि कॉलेजेस को कैसे अप्रोच किया जाता है आफ्टर द सी यू ई टी एग्जामिनेशन और उसके अगर कोई पी आई जी डी राउंडस होते हैं उसकी भी गाइडेंस सर एन मैम लोग आपको सब कुछ दे a to z so we have a dedicated team of mentors टीचर्स काउंसलर्स हु आर हेयर फॉर यू एंड दे विल हेल्प यू आउट इन एवरी वे पॉसिबल चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज मैं पढ़ाने वाली हूँ बिजनेस स्टडीज़ का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत ही कंसेपचुअल टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि पूरे कॉमर्स में जो हमारी इंडस्ट्री है जहाँ पर हम कॉमर्स ट्रेड बिजनेस ये सब देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड तो उनमें जो मैनेजमेंट उमेंट होती है वो मैनेजमेंट किन बेसिस पर बेस्ड है यानी वो मैनेजमेंट कैसे होती है जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बोलूँ टाइम स्टडी है ना मोशन स्टडी या मैं बोलूँ इक्वल पे ये सब चीज़ें टेलर और हेनरी फ्यूल ने पहले ही इंश्राइन कर दी थी इन लॉट लॉट लॉर्ड्स ऑफ यर्स बैक तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं अभी जो हम काम करते हैं अभी जो हमें मैनेजमेंट सीनारी मिलते हैं उसकी जो फाउंडेशन है उसका जो एवोल्यूशन है वो बहुत पहले ही हो चुका था एंड उसमें आप देखें बहुत सारी थ्योरीज भी हैं जैसे क्लासिकल न्यू क्लासिकल थ्योरी न्यू थ्योरी तो ये सारी जो थ्योरीज हैं वो आप क्लास ट्वेल्थ में पढ़ते हैं ओके okay? बट आज का सेशन प्योरली डेडिकेटेड है डट वॉट आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चलिए स्टार्ट करते हैं सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं तो उसके पहले मैं आपको इंडेक्स बता देती हूँ चैप्टर का कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में एंड ये जो चैप्टर है इस पूरे चैप्टर में जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं जो सी यू ई टी के कोर्स के लिए रिलेवेंट हैं वो कौन कौन से सो फर्स्ट so, जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स सो मैनेजमेंट होता क्या है एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल इवॉल्व कैसे हुए सेकेंड है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का concept. थर्ड एंड नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फेोल्स फोर्टीन प्रिंसिपल्स सो हेनरी फ्योल ने हेनरी फ्योल एक पर्सन है जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए टोटल फोर्टीन प्रिंसिपल्स दिए वो हम डिस्कस करेंगे देन है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय एफ डब्ल्यू टेलर देन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाई टेलर इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक टेक्निक्स अब मैं यहाँ पर आपको दो टॉपिक्स बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट इज द फ्योल्स प्रिंसिपल एंड सेकेंड इज़ द

इन टेक्निक्स का नाम है फंक्शनल फोमनशिप स्टैंडाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मेथड स्टडी मोशन स्टडी टाइम स्टडी फिटिक स्टडी एंड डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम इसमें सबसे ज्यादा जो कंसेप्चुअल है वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम और ये वाला जो एरियाज हैं हम इनको सबको प्रैक्टिकली समझेंगे ओके स्टूडेंट्स चलिए फर्दर मूव करते हैं डैट आगे हम क्या पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर टू यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर टू है एन सी आर टी सोल्यूशंस एम सी क्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एरियाज़ में जो आपने ट्वेल्थ में पढ़े थे इन एरियाज़ से मैं आपको एम सी क्यूज़ भी सॉल्व करवाऊंगी ठीक है चाहे वो एन सी आर टी हो रिफ़्रेशर हो आपकी ट्वेल्थ की या फिर आपके एम आई क्यूज अस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो आपके रिफ्रेशर्स में हॉट्स के नाम से दिए जाते हैं ओके अब सी यू ई टी का जो सिलेबस है वो पूरा ट्वेल्थ से बिल्कुल सेम है एक्सेप्ट फॉर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमी तीनों सब्जेक्ट्स हैं स्टार्ट छोड़ दिया है पर यहाँ पे बिल्कुल ट्वेल्थ का जो सिलेबस है वो डिटो सेम है ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर ओके तो so, सबसे पहले मैनेजमेंट इज़ द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन गाइडिंग इट्स ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज एंड गोल्ड अब मैनेजमेंट क्या होता है आप स्कूल जाते हो सुबह उठते हो राइट right? उसके बाद आप वापस आते हो लंच करते हो उसके बाद आप कोई ट्यूशन जाते हो फिर मान लीजिए आप आई क्वान्टा में पढ़ते हो तो आपकी क्लास होती है डेली ठीक है जो लाइव क्लासेस सी यू की क्योंकि आप एंट्रेंस की तैयारी भी कर रहे हो साथ में उसके साथ आप जिम जाते हो या फिर अगर किसी को डांस एक्टिविटी पसंद है कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी आप वहाँ जाते हो यू टेक अ शॉर्ट स्लीप यू हैव डिनर यू डू सेल्फ स्टडी अलॉन्ग विद ऑल दिस टाइमिंग एंड मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल ऑफ योर्स सो वॉट यू आर डूइंग हेयर यू आर डूइंग मैनेजमेंट सिमिलरली बिजनेस हाउसेज में भी मैनेजमेंट होती है ठीक है बिना मैनेजमेंट के बिजनेस हाउसेस चल ही नहीं सकते जैसे एक ह्यूमन बॉडी पूरी रीढ़ की हड्डी पे टिकी है और मैनेजमेंट जो है वो किस पे टिकी हुई है मैनेजमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है किस पे टिकी हुई है मैनेजमेंट पे टिकी हुई है ठीक है सो मैनेजमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी होती है समझ लीजिए जिसके बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगी इसका एक लीडिंग एग्जाम्पल देती हूँ मान लीजिए दो वर्कर्स हैं अब ये जो वर्कर्स है वर्कर वन एंड वर्कर टू ये परचेज डिपार्टमेंट के वर्कर हैं और ये सेल्स डिपार्टमेंट के वर्कर हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल ले लीजिए अब क्या हुआ कि परचेज डिपार्टमेंट ने परचेज ही नहीं किए गुड्स ताकि वो असेंबल हो पाए मान लीजिए कार के पार्ट्स हैं और इंडस्ट्री है कार असेंबली इंडस्ट्री ओके तो इन्होंने परचेज ही नहीं किए या फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट में परचेज किए तो सेल्स डिपार्टमेंट वाला बोलेगा कि मार्केट में तो सस्ते में गुड्स मिल रहे हैं हमारे गुड्स कोई क्यों खरीदेगा आप सस्ते में रॉ मटेरियल क्यों नहीं लेके आए और इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया ठीक है मतलब मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी सो so, इसलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है अगर मैनेजमेंट अच्छी हुई तो सब कुछ वेल टू डू होता है ओके स्टूडेंट्स फर्दर मूव करते हैं मैनेजेरियल प्रिंसिपल हमारा जो चैप्टर है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है सो आखिर मैनेजेरियल प्रिंसिपल क्या होता है ये ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन है ताकि हम डिसीजंस ले सकें और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकें जैसे जब अपन छोटे थे है ना लाइक फिफ्थ क्लास से पहले तो हम सबसे पूछते थे कि मम्मा मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है कैन आई गो हम पूछते थे कि नहीं तो मम्मा बोलती थी हाँ जाओ सात बजे से पहले घर आ जाना रूल्स थे ना आपके लिए रूल्स बना के रखे थे और आपको बोला जाता था कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए ऑनेस्टी होनी चाहिए कभी किसी किस किसी को कोई भी अब्यूजिव वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए सबसे प्यार से बात करना चाहिए ये रूल्स किसने बनाई है हमारे घर वालों ने रूल्स बनाए थे सिमिलरली क्या ये रूल्स हमारे ऊपर कंपल्सरी बाइंडिंग है नहीं बाइंडिंग तो नहीं है हम चाहें तो फॉलो कर सकते हैं चाहे तो झूठ बोले चाहे तो सच ऐसे ही होते हैं कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स तो बन चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो फॉलो कर सकती है नहीं चाहे तो इट्स ओके ठीक है सो so इसलिए ये क्या है केवल गाइडलाइंस हैं वॉट आर दीज दे आर द गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड ह्यूमन बिहेवियर ताकि इम्प्लॉयज जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करेंगे वो स्टडी किया जा सके ओके फॉर एग्जाम्पल वाइल डिसाइडिंग अबाउट द प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय मैनेजर में कंसिडर सीनियोरिटी वाइल अदर में फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है इसमें एक एम्प्लॉय है इसके प्रमोशन की बातें चल रही हैं ठीक है तो एक मैनेजर बोलेगा ये सीनियर नहीं है इसको मत करो प्रमोट एक मैनेजर बोलेगा ये तो बहुत ही मेरिटोरियस है इसको प्रमोट कर दो सो so, हर तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं एंड हर मैनेजर का अपना लुकआउट होता है कि डिसीजंस कैसे लेने हैं ओके चलिए फर्दर मूव करते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिराइव देयर सिग्निफिकेंस फ्रॉम यूटिलिटी यूटिलिटी क्या होता है यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस तभी है जब वो यूजफुल हो ऑर्गेनाइजेशन को यूटिलिटी मतलब होता है यूजफुलनेस सेटिस्फैक्शन जैसे अगर आप एक पानी पूरी खाते हो तो आपको मन में संतुष्टि होती है ना राइट सिमिलरली अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल अच्छा चल जाता है जैसे मैं बोल रही हूँ एक प्रिंसिपल होता है यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है कि एक एम्प्लॉयी जो है उसको पाँच छः बॉसेस सेम चीज़ पर ऑर्डर ना दें इससे क्या होता है कंफ्यूजन होता है यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है देयर शुड बी वन बॉस टू वन सबऑर्डिनेट एंड देयर शुड नॉट बी मल्टीपल डायरेक्शंस गिवन टू डेट सब एम्प्लॉय सो so, ऐसे प्रिंसिपल्स यूजफुल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उसी के बेसिस पे तो आज हाँ पूरे वर्ल्ड में या इंडिया की बात कर लूँ तो मैनेजमेंट की जब टीम्स बनती हैं तो एक ही बॉस होता है बाकी सब उसके अंडर काम करते हैं एंड जो सबॉर्डिनेट है वो भी मल्टीपल ऑर्डर नहीं रिसीव करते उसको एक बार काम दिया जाता है एंड वो काम हो जाता है ठीक है पर ये बने कब ये बहुत पहले बन चुके थे सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की जो सिग्निफिकेंस है वो उसकी यूटिलिटी से है दे प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजरियल बेहेवियर एंड इन्फ्लुएंस मैनेजरियल प्रैक्टिस ओके स्टूडेंट्स तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको आई होप समझ में आया कि वॉट इज मैनेजमेंट इट इज़ द बैकबोन एंड वॉट आर द प्रिपल दीज आर द गाइडलाइंस फ्राम ऑन विच पार्ट वी हैव टू गो ठीक है एज अ मैनेजर एंड मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं वो उनकी इम्पोर्टेंस किससे होती है उनकी यूटिलिटी से होती है अगर वो यूजफुल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में दैट डजेंट एग्जिस्ट वो प्रिंसिपल को बंद ही कर देना चाहिए और किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए जैसे पुराने ज़माने में लोग बोलते थे रात में बाहर नहीं जाना चाहिए ठीक है जो दादा दादी वगैरह होते थे तो क्या हम उसे फॉलो करते हैं आज नहीं फॉलो करते तो हमारे ऊपर है हमें कोई प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं या नहीं तो अगर घर के पर्सपेक्टिव से अगर आप कंपेयर करके हर चीज़ को समझोगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा ठीक है रेस्ट बहुत सारे कंसेप्चुअल एग्जांपल्स हैं हम अच्छे से पढ़ेंगे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो अच्छे से नोट्स बनाते जाइए ओके नाउ फर्दर फेउल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये जो आपको फोटो दिख रही है ये द फेमस हेनरी फेउल की है ही हैज गिवन सम जनरल गाइडलाइंस अब मैं यहाँ वर्ड जनरल क्यों यूज कर रही हूँ जनरल गाइडलाइंस मतलब कि ये ना थियोरटिकल एक्सपेक्ट्स हैं जैसे मैं बोलती हूँ ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हमेशा ऑनेस्ट रहो ये एक जनरल गाइडलाइन है तो हेनरी फ्यूल ने भी कुछ ऐसे ही प्रिंसिपल्स दिए जैसे लड़ाई झगड़े मत करो टीम स्पिरिट मेंटेन करो सो ये प्रिंसिपल्स टोटल कितने थे नंबर में चौदह ठीक है फोर्टीन अब देखते हैं बैकग्राउंड ये सब आपके एम में पूछा जाता है जो जो एम में पूछा जाएगा मैं उसे मार्क कर दूंगी अच्छे से ठीक है और आपको बता भी दूंगी हेनरी फ्यूल वॉज बॉर्न इन फ्रांस इन 1841, ठीक है जिन जिन चीजों पे मैं बॉक्स बना रही हूँ वो एम के लिए रिलेवेंट है ओके सो ही वॉज बॉर्न इन फ्रांस इन एटीन ही गॉट अ डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन एटीन उन्होंने डिग्री हासिल करी माइनिंग इंजीनियरिंग में 1860 में एंड स्टार्टिंग स्टार्टेड वर्किंग एज एन इंजीनियर इन अ कोल कंपनी सो कोल माइनिंग कंपनी में वो इंजीनियर की तरह काम करते थे इन 1888 ही वाज प्रमोटेड ठीक है एंड टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी 1888 में वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए थे ठीक है एट दैट टाइम द कंपनी वॉज इन दिटुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी तब कंपनी की हालत बहुत खराब थी कंपनी दिवालिया होने वाली थी नेक्स्ट

कंपनी विद स्ट्रॉग फाइनेंशियल बैकग्राउंड जब वो तीस साल बाद रिटायर हुए तो ना सिर्फ इंसॉलवेंसी हट चुकी थी जबकि कंपनी लीडिंग प्लेयर थी अपनी पूरी इंडस्ट्रीज में आ, तो आप सोचिए कि इनने जो प्रिंसिपल्स लगाए होंगे जो इनने चेंजेस किए होंगे मैनेजमेंट में वो कितने अच्छे चेंजेस थे जिस वजह से इतने फ्रूटफुल रिजल्ट मिले ओके लेट्स प्रोसीड फर्दर कि उनके फोर्टीन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं फर्स्ट प्रिंसिपल है डिविजन ऑफ वर्क सेकेंड है अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी थर्ड है डिसिप्लिन फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सिक्सथ है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट सेवेंथ है रेम्यूनोरेशन देन नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड स्केलर चेन जो मैं जिस पे सर्कल लगाऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर इक्विटी स्टेबिलिटी ऑफ टेन ऑर इनिशिएटिव एसपिरिट डी कॉप्स ओके अब यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट है यूनिटी ऑफ कमांड इम्पॉर्टेंट है ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है रेम्यूनोरेशन भी इम्पोर्टेंट है बस दीज आर द सर्कल वंस आर द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स विच कैन बी आज इन दिस यू टी एग्जामिनेशन ओके नाउ लेट्स मूव फर्दर सबसे पहला समझते हैं डिविजन ऑफ वर्क ठीक है तो मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन में वन टू थ्री फोर फाइव इम्प्लॉयज हैं ठीक है और सिक्स इम्प्लॉयज़ हैं ठीक है अब मैं इनको बोल रही हूं ये एक कुक है मैंने इसको बोला कि आप जाओ और ना पत्थर तोड़ने का काम करो ठीक है ये एक पर्सन है जो क्लीनिंग स्टाफ है मैंने इसको बोला जाओ आप कुकिंग करो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अच्छे से काम कर पाएंगे नहीं जैसे अगर इसको गार्ड की नौकरी आती है तो ये गार्ड की नौकरी करेगा इसको अगर कुक uh, uh, या शेफ ये देखिए ये कुक है तो इसको अगर कुक वाली जॉब अच्छी लगती है इसको उसमें इंटरेस्ट है तो वो इसकी नौकरी करेगा और ये ही लीड करता है हमें इस प्रिंसिपल पे डाट इज डिविजन ऑफ वर्क गिवन बाय हेनरी फ्यूल सो वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड जॉब्स कोई भी काम हो कोई भी वर्क हो मान लीजिए एक्स वर्क है उसको हम छोटे 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 टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए जैसे अगर आपको पूरी बुक पढ़नी होती है आप एक ही दिन में तो नहीं पढ़ पाते ना आप चैप्टर वाइज डिवाइड करते हो टॉपिक एंड क्वेश्चन करते हो सेम हमें काम को भी डिवाइड करना है ठीक है नाउ अब अ ट्रेंड स्पेशलिस्ट एज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब ऐसा नहीं है कि आप कुक से बोल रहे हो जाओ तुम क्लीनिंग करो और गार्ड से बोल रहे हो जाओ आप कुकिंग करो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है हर व्यक्ति का जो जिसका काम उसी को साझे ठीक है हर व्यक्ति का एक सेपरेट काम होता है दस डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन यानी जो जिसमें निपुण हो उसको वो वाला काम दो ठीक है अब फ्योल ने क्या बोला फ्योल ने डेफिनेशन दी डिवीजन ऑफ वर्क इंटेंट्स टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर फॉर वर्क फॉर द सेम एफर्ट ठीक है मतलब सेम एफर्ट के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है कैसे जिसका काम उसी को साझे वाला प्रिंसिपल यूज करके ओके सो दिस ऑफ़ वर्क नाउ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं जैसे मान लीजिए फर्क क्या है जैसे एक मैनेजर है इन मैनेजर के पास अथॉरिटी है कि ये पूरी टीम को पूरी टीम को ऑर्डर दे सकते हैं ठीक है और रिपोर्टिंग भी ले सकते हैं तो मान लीजिए उनकी टीम में वन टू थ्री फोर फाइव वर्कर्स हैं ठीक है अब इनके भी अंडर तीन तीन लोग हैं ठीक है सो वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री ठीक है है। इनके भी अंदर इतने लोग हैं। so, इस तरह से चल रही है। अब ये जो मैनेजर है इनके पास अथॉरिटी है कि वो इनको ऑर्डर्स दे सकते हैं इनको भी ऑर्डर्स दे सकते हैं सो so, इन्होंने इनको बोला कि आप तो परचेज डिपार्टमेंट से हो आपसे काम क्यों नहीं हो पाया मुझे रिपोर्ट ला दो सो so, परचेज डिपार्टमेंट ने बोला कि उन इनके जो हेड है इनने बोला कि सर मेरा जो ये वर्कर था ये बीमार हो गया था इसलिए ये ना सस्ते में रॉ मटेरियल नहीं ला पाया और इसी के पास लीड्स थी उसकी तो मैनेजर ने बोला आपने इन दोनों को क्यों नहीं सिखाया कि वैसी लीड्स सीखें इस वजह से उसने क्या किया गुस्से में आके इनको फायर कर दिया जबकि ही वॉज द मोस्ट एफिशेंट एम्प्लॉय ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन उनने बोला और एक लाइन और कोट कर दी ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है मैं मैनेजर हूँ मैं जैसे चाहूँ तुमको नचा सकता हूँ तो ये बहुत ही बुरे वर्ड्स बोले तो एक ड्यूटी होनी चाहिए फ्योल ने बोला कि अगर आपको किसी चीज़ की अथॉरिटी है यू शुड नॉट मिस यूज़ द पावर ऑफ इट द सीनियर्स मट मस नॉट मिस यूज़ द पावर ठीक है अब इस पर्टिकुलर परचेज डिपार्टमेंट से क्या गलती हुई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनकी क्या थी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये प्रॉपर खुद जा रिपोर्ट करें कि सर आई नीड अ सब्स्टिट्यूट फॉर दिस पर्सन एंड आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ़ इश्यूज काइंडली हेल्प मी आउट

ठीक है आपसे एम में पूछा गया था एक पेपर में कि अथॉरिटी फॉर्मल होती है या इनफॉर्मल तो इट डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन अगर इनफॉर्मल की बात करें खुद से जाके मैनेजर कुछ इनफॉर्मल टॉक कर रहा है एंड उनको समझा रहा है कोवर्कर्स को तो यस इट इज़ इनफॉर्मल तो उसके सबॉर्डिनेशन में जो हैं उनको ओके सो ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफ अगेंस्ट अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी एंड मैनेजेरियल पावर सो कई बार क्या होता है मैनेजर्स अपनी अथॉरिटी का क्या करते हैं मिस करते हैं कि मेरे पास पावर है मैं तो किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ बट दिस शुड नॉट बी डन ओके सो एट द सेम टाइम मैनेजर्स शुड हैव द नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स की नेसेसरी अथॉरिटी भी होनी चाहिए ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी आउट कर सके तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई काम सौंपा गया है आप अकाउंटेबिलिटी लो ठीक है आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली आप कभी भी फायर हो सकते हो ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसे दे रही है इसलिए दे रही है ताकि आप काम करते दो ठीक है सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर कोरोलरी टू ईच अदर एंड दिस इज ऑल्सो एम लेट्स प्रोसीड फर्दर टू डिसिप्लिन ठीक है अब मेरी एक स्टूडेंट है ठीक है उसका नाम मान्या है एंड शी इज़ अ रियल स्टूडेंट ऑफ आईक वा इन द प्रीवियस सी ई टी बैच अब मैंने उसके लिए एक टाइम टेबल बनाया था राइट स्टूडेंट्स मैंने उसको टाइम टेबल बना के दिया कि आपको सुबह इतने बजे उठना है इतने बजे पढ़ना है इतने बजे एंड शी रिक्वेस्टेड मी टू मेक दैट टाइम टेबल लाइक सेवन टाइम्स एंड आई वॉज ऑक्यूपाइड आई मेड इट लेड मैंने उसके हिसाब से इतना फ्लेक्सीबल टाइम टेबल बनाया बट फर्स्ट डे शी वो कप एट टेन ए एम सेकेंड डे एट एलेवन ए एम एंड थर्ड डे एट ट्वेल्व पी एम फोर डे एट वन पी एम एंड उसके रात के जो आवर्स हैं पढ़ने के वो बढ़ते जा रहे थे बट यहाँ पर प्रोडक्टिविटी लो होती जा रही थी ठीक है so सो उसने ऑब्जर्व किया कि इस टाइम टेबल को पूरा करने के चक्कर में मैं टेंशन में रहती हूँ रिलैक्स होकर नहीं कर पाती लेटर ऑन शी डिस्कारड दिस टाइम टेबल एंड शी कुन गेट द यूनिवर्सिटी शी वॉज विशिंग वॉ ठीक है अभी ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी उसको चाहिए थी वो नहीं मिल पाई क्यों नहीं मिल पाई क्योंकि डिसिप्लिन नहीं था क्यों नहीं मिल पाई स्टूडेंट्स क्योंकि डिसिप्लिन नहीं था ओके okay? सो so, ये वाला पार्ट में टीम फिर से रिकॉर्ड करी बिकॉज ऑफ द फ्लाई सो स्टूडेंट्स वो टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाई जिससे क्या हुआ कि उसको अगेन आई एम री रिकॉर्डिंग फ्रॉम मान्य आई एम री रिकॉर्डिंग ओके ओके सो देर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ माइंड नेम्ड मान्या ओके सो मान्या केम टू मी एंड टोल्ड मी दैट मैम मेरा एक टाइम टेबल बना दीजिए मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है सो आई मेड अ टाइम टेबल फॉर हर प्रॉपरली विद टाइम नोट्स एंड एवरी थिंग okay so what happened later on the first day she followed it the half things were completed which were given in the timetable okay and particular course which we made to follow okay made her to follow now nextly the second day the productivity was 40% third day was 30% and fourth day was 10% and there a time came when she discarded the timetable because one thing was lacking kyalakkaratha discipline सो आई कॉल डर आई कॉल डर एंड आई टोल डर मान्या देखो आपने मेरे से टाइम टेबल बनवाया एंड आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो आपके मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं आप जो मिनी मॉक्स दे रहे हो उसमें भी आपके मार्क्स से इतने सेटिसफैक्ट्री नहीं है एग्जाम कुल चार महीने दूर है आप कैसे करोगे आपके करीब एटीन एटीन चैप्टर्स बचे हुए हैं हाउ विल यू डू इट एंड कॉन्सेप्ट तो भूल ही जाओ आपको फंक्शनल फोमैनशिप और ऐसे कॉन्सेप्ट की डिटेल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं जो अभी जो बच्चे देख रहे हैं उनको तो है राइट सो मानिया ने कहा मैम मुझसे हो ही नहीं पा रहा मैं चाहे कितना कर लूँ मुझसे डिसिप्लिन आ ही नहीं पा रहा सो so, डिसिप्लिन एक ऐसा फैक्टर होता है जो ना सिर्फ ह्यूमन के रियल लाइफ में बल्कि उसकी वर्क लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एंड इसी बारे में फेोल ने इंस्ट्राइन किया फ़्योल ने बोला कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो सो so आपके जो मैनेजर्स हैं वो आपको चिल्लाएंगे राइट एंड मैनेजर्स जब प्रॉपरली चीजों को देखते हैं उनको पता चल जाता है कि लूप होल किस वर्कर के एंड पे हुआ है ओके सो डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट्स ठीक है जैसे टाइमिंग हो गया कि सुबह में इतने बजे आना है आपका चेकआउट टाइम इतना होगा ये सब डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है नेसेसरी फॉर द वर्किंग अकॉर्डिंग टू फ्यूल डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स कई बार ऐसा होता है द वर्कर्स लीव टॉक्सिक टॉक्सिक जॉब्स बट नॉट एक्चुअली जॉब्स दे लीव टॉक्सिक बॉसिस बिक क्या होता है कि वो बॉसिस के साथ खुश नहीं होते वो उनको अब्यूजिव लैंग्वेज या फिर चिल्ला कर बात करते हैं उससे उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है इसलिए फेफल ने बोला कि जब डिसिप्लिन की बात हो रही है ना तो डिसिप्लिन तभी हो पाएगा जब जो वर्क जो सुपीरियर्स गाइडेंस दे रहे हैं वो सुपीरियर्स अच्छे हों अगर सुपीरियर्स अच्छे नहीं होंगे तो गाइडेंस किसी काम की नहीं है वो टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है ना क्लियर एंड फेयर एग्जाम

एंटर योर अटेंडेंस तो एक वर्कर आया ऑफिस ठीक है ये उसको बोला गया था बायोमेट्रिक में अटेंडेंस मार्क करनी है और उनके ऑफर लेटर में लिख के दे दिया था इफ़ यू विल नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द कंपनी आपका हंड्रेड रुपीज़ डिडक्ट हो जाएगा इफ़ यू डोंट मार्क योर अटेंडेंस फ्रॉम योर सैलरी ठीक है ये ऑफर लेटर में उन्होंने लिख के दिया था, था जिसपे उसने साइन भी किया था बट ही कूडेंट रीड इट प्रॉपरली ना हो सो क्या हुआ वर्कर ने अटेंडेंस करीबन ट्वेल्व डेज मार्क नहीं की उसके सामने दूसरे वर्कर्स मार्क कर रहे थे अटेंडेंस पर इस गधे ने मार्क नहीं की और इससे जब दूसरे वर्कर्स पूछ रहे हैं ब्रो यू हैवन मार्क योर अटेंडेंस वॉट हैपन्ड तो इसने बोला कि मैं क्यों मार्क करूँ मैं तो सीनियर लेवल पे हूँ मैं क्यों मार्क करूँ मेरे ऊपर ऐसे कोई रूल नहीं है मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं ठीक है लेटर ऑन मैन सैलरी केम डिडक्टेड ही वॉज शॉक्ड ही ही सेट टू द सुपीरियर जिसके अंडर में वो काम करते थे सर ने बोला कि आपको मैंने हिंट दी थी दूसरे वर्कर से बुलवा के ठीक है आपको हिंट दी गई थी कि आप बायोमेट्रिक पे अटेंडेंस मार्क करो आपने क्यों नहीं की ठीक है सो ये जो केस स्टडी है ये आपके हॉट्स क्वेश्चन की केस स्टडी है इन क्लास नंबर ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ ओके नाउ सो पेनल्टीज यानी जो उसके सौ सौ रुपये लग गए स्टूडेंट्स वो क्या हैं पेनाल्टीज हैं ठीक है, है थीके? जैसे स्कूल में कुछ स्कूल्स हैं जहाँ इंग्लिश नहीं बोलो तो पैसे लग जाते हैं दस रुपये फाइन पे करो तो सेम गोज विद अगर सजा मिलेगी तब आप काम सीख जाओगे तो डिसिप्लिन एनश्राइन्स ऑल दिस लेट्स प्रोसीड यूनिटी ऑफ कमांड इसको दो डायग्राम से समझते हैं मान लीजिए एक सुपीरियर है एम वन ठीक है तो एम वन ऑर्डर देता है एस वन को एस टू को एंड एस थ्री को ये क्या है सब ऑर्डिनेट्स हैं ठीक है थीके? तो और एम वन एम टू क्या है मैनेजर मैनेजर एस टू का भी मैनेजर है एस का भी मैनेजर है एस थ्री का भी मैनेजर है और ये जो एस है उसका केवल एक ही बॉस है s2 का भी एक ही बॉस है s3 का भी एक ही बॉस है पर यहाँ देखिए ये जो मैनेजर है ये इनको ऑर्डर्स दे रहा है ये वाला मैनेजर भी इनको ऑर्डर दे रहा है तो ये बेचारा s1 यानी सबॉर्डिनेट जो छोटा वर्कर है ये तो कंफ्यूज हो जाएगा मैं किसकी ऑर्डर सुनूं आखिर सो so यहाँ पर क्या हो गया सब कंफ्यूजन या फिर आजकल जेनजीस क्या बोलते हैं केओस और क्या बोलते हैं दि द सिटेशन्स इन विच वी कांट एडजस्ट ठीक है तो ऐसी चीज़ें हो गई इसकी सुने या इसकी सुने या ऑर्गनाइजेशन ही छोड़ दें सो so, ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है जो हैंनरी फ्यूल ने दिया था वो फॉलो करना पड़ता है हैंनरी फ्यूल ने बोला कि एक सबॉर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए पचहत्तर बॉस होंगे तो वो सबऑर्डिनेट कैसे काम करेगा ठीक है ना सो अकॉर्डिंग टू फ्यूल देर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय इफ एन एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर्स फ्राम टू सुपीरियर्स एट द सेम टाइम द प्रिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायोलेटेड एंड इट विलीड टू केयर्स कन्फ्यूजन एंड डीले इन वर्किंग ठीक है अब उसे यहाँ से भी मान लो उसने काम करके दे दिया जैसा एम वन ने बोला मान लो जैसे एम टू ने बोला उसने काम करके दे दिया दो काम हो गए जल, बल्कि काम एक ही होना चाहिए था ठीक है बट अलग अलग बॉसेस अलग अलग तरीका सो so ऐसा नहीं होना चाहिए इससे एम्प्लॉय का जो रिसोर्स वेस्टेज है वो भी बच जाता है और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली काम करती है ओके लेट्स प्रोसीड फर्दर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तो जैसे देखिए यहाँ पर मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं और यहाँ पर कार और मान लो कि एक ही फैक्ट्री है एक ही फैक्ट्री में कहीं पर मोटरसाइकिल कहीं पर कार और सब कुछ जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया अच्छा ये मोटरसाइकिल का पार्ट है ये कार का पार्ट है ऐसे बेचारी वर्कर्स कन्फ्यूज हो रहे हैं तो इसलिए बोला जाता है कि डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि अगर दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो दोनों का जो वर्किंग है वो बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए भले आप इस तरह का डिवीजन क्रिएट कर दो ठीक है बट वर्किंग एकदम सेपरेट रखो ताकि पार्ट्स मिक्स ना हो ताकि कन्फ्यूजन ना हो वर्कर्स एक दूसरे का काम ना करें ठीक है और प्रॉपर रूलिंग हो सके प्रॉपर अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन हो सके ओके सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसी चीज़ को समझाता है सो ऑल द यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड फोकस्ड एफर्ट्स एज ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैन हेड

एक एम्प्लॉई है ठीक है ऑर्गेनाइजेशन में इस एम्प्लॉय ने बोला कि अगर मैं हंड्रेड परसेंट सेल्स टारगेट अचीव कर लूँगा तो मुझे इंसेंटिव्स भी मेरी सैलरी से जस्ट फोर टाइम्स मिल जाएंगे ठीक है पर इसने इस सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए ये सेल्स हेड था ही वॉज ए सेल्स हेड इसने अपनी टीम को बोला क्योंकि टीम भी इंसेंटिव वाली टीम थी अगर टीम ज़्यादा काम करती तो उन्हें भी इंसेंटिव मिल जाते बट इसने अपनी टीम को पता है क्या बोला इसने टीम को बोला कि सेल लीड्स हैं ही नहीं आप एक काम करो दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम कर लो दूसरी टीम्स को हेल्प कर लो और इस सेल्स हेड ने पूरा जो 100% परसेंट इंसेंटिव है खुद ले लिया सो so ये क्या है इंडिविजुअल इंटरेस्ट बट जब हम टीम वर्क के साथ काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं जनरल इंटरेस्ट और ये ही कंपनी को आगे बढ़ाता है सो so, आपको अगर आप वर्कर हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में सो so आपको अपना हित नहीं देखना है आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भला चाहना है ठीक है ये अच्छी बात है कि आप उस टारगेट को अचीव कर पाए डेट इज अ कमेंडेबल जॉब बट क्यों ना ये दूसरी टीम मेंबर्स को भी सिखाया जाए इसी से तो आपका प्रमोशन हो जाएगा सेल्स हेड से हो सकता है आप प्रोडक्ट हेड बन जाएं या फिर उस डिपार्टमेंट के या फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के आप डायरेक्टर बन जाएं ठीक है तो ये आपके अंदर इतनी काबिलियत है तो आप क्यों उस इंसेंटिव के पीछे हैं आप दूसरी चीज़ों से इंसेंटिव लेने की कोशिश करिए अपनी टीम को डेवलप करिए उससे आपकी मैनेजरियल स्किल हाईलाइट होंगी ठीक है सो इंडिविजुअल इंटरेस्ट ये होता है एंड जनरल इंटरेस्ट ये होता है आप मुझे बताओ व्हाट इज इंपॉर्टेंट जनरल और इंडिविजुअल ऑब्वियसली जनरल इंटरेस्ट ओके डैट इज टीम स्पिरिट सो जनरल इंटरेस्ट द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेक प्रायोरिटी ओवर इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल इम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू फ्योअर ठीक है नाउ इवन एवरी वर्कर हैज सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑफ अ कंपनी द कंपनी हैज इट्स ओन ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जाम्पल द कंपनी वुड वॉन्ट टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम इट्स इम्प्लॉयज एंड कॉम्पिटिटिव कॉस्ट सैलरी ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉय मे वॉन्ट टू गेट मैक्सिमम सैलरी वर्किंग एट द लीस्ट सो हर इंप्लॉयी क्या चाहता है कम से कम काम अच्छे से अच्छी तनखा ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कम से कम पैसा लगे अच्छे से अच्छा काम हो जाए तो पर इन दोनों का तालमेल बनाने के लिए थोड़ी पोलाइटनेस हम्बलनेस और ये सब चीज़ें प्रिंसिपल्स का फॉलोइंग ये सब कुछ लगता है ओके स्टूडेंट्स चलिए प्रोसीड करते हैं फर्दर सेवेंथ रेम्यूनोरेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ तो आप देखिए यहाँ पर वुमेन को कम पैसे मिल रहे हैं और मेल को ज़्यादा और यहाँ पर दोनों को बराबर मिल रहे हैं सो so, ये जो सेकेंड वाला डायग्राम है यही रेमेशन को एक्सप्लेन करता है सो द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ द इम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन द इम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर वेजेस वेच शुड गिव दम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो यहाँ पर क्या है कि रीजनेबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और इक्वल पे मिलनी चाहिए सो so, ये भी हेनरी फ्योल ने कहा नाउ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसन सो अब देखिए सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन मतलब कि यहाँ से ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ठीक है एक ही जगह से ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन यानी सब कुछ स्कैटर्ड है सब कुछ ऐसे बटा हुआ है सो so, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है डिस्बर्सल ऑफ पावर्स सेंट्रलाइजेशन क्या होता है एक ही जगह से कंट्रोल होता है सो so, क्या बेटर है सेंट्रलाइजेशन बेटर है ठीक है सो द कंसेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड

और उसके भी नीचे होता था लोअर लेवल मैनेजमेंट ओके स्टूडेंट्स अब टॉप लेवल में कौन आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ सीएफओ, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं सब टॉप पे आते हैं अब मिडिल पे क्या आते हैं सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स ठीक है यहाँ पे आ जाएगा परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट ठीक है एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट एट्सेट्रा ठीक है तो ये यह सब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाएगा पैकेजिंग ठीक है ब्रांडिंग ट्रांसपोर्टेशन कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में सबके मैनेजर कहाँ पे आएंगे मिडिल लेवल अब इन डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम करते हैं वो कहाँ आते हैं स्टूडेंट्स लोअर लेवल पे सो so, डिसीजन इन्होंने बना लिया इसको बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन और ये डिसीजन डिसबर्स हुआ है और एक्चुअल काम हो रहा है लोअर लेवल पे इसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन तो ये यहाँ पर लाइन में लिखा हुआ है देयर इज अ नीड टू बैलेंस सब ऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसन विथ मैनेजर्स रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन यानी फाइनल अथॉरिटी इनके पास है तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है सेंट्रलाइजेशन बट जब ये पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं ये क्या हो रहा है डिसेंट्रलाइजेशन सो so, हमेशा सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए नहीं तो अगर कोई भी डिसीजन लेता जाएगा तो काम नहीं हो पाएगा हमारे देश को ही देख लीजिए हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वोट देकर अगर हम खुद से डिसीजन लेने लगे तो पॉपुलेशन कितनी बड़ी है कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है सब कुछ हाउच पाउच हो जाएगा इसलिए वी नीड अ रिप्रेजेंटेटिव सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में वी नीड अ टॉप लेवल मैनेजमेंट हु विल ऑल द सेंट्रलाइजेशन थिंग्स ओके एंड देन द पावर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लोअर लेवल्स ओके लेट्स प्रोसीड फर्दर स्केलर चेन इस so, डायग्राम को देखिए स्केलर चेन बोलता है कि अगर ये हैं है ए बी सी डी ई एफ जी ये इंप्लॉयज हैं ऐसा कर लो सो so, अगर डी को कुछ बात बोलनी है ई e को चेंज हो गया म, मत stop, मत करिए स्टॉप मत करिए फिर से टीम यहां पे कट लगा के फिर से ले लेना अब एक अब पढ़ते हैं स्केलर चेन so, सो स्केलर चेन का बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही है। यहाँ पर मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी ये सारे क्या हैं इम्प्लॉयज हैं अब ये तो एम्प्लॉयज हैं और एक चीज अज्यूम करते हैं कि डी को कुछ चीज कम्युनिकेट करनी है टू एफ तो क्या वो एफ को बोल सकता है हेलो एफ एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग एंड दिस इज दिस दिस सिनारी एंड एवरी थिंग नो नहीं बोल सकता है स्केलर चा कॉन्प्ट ये बोलता है अगर डी को कुछ एफ को बोलना है वो पहले सी के पास जाएगा फिर सी बी के बोलेगा फिर बी ए को बोलेगा ए ई e को बोलेगा फिर ई e, एफ को बोलेगा मतलब डायरेक्ट नहीं जा सकता पर आपके मन में आ रहा होगा मैम ऐसे तो डिसीजन बहुत डीले हो जाएंगे एक चीज़ जो आज कम्युनिकेट होनी चाहिए थी वो पचहत्तर दिन बाद कम्युनिकेट होगी राइट तो इसका भी एक सोल्यूशन है वो है गैंग प्लैंक गैंग प्लैंक बोलता है कि अगर इमरजेंसी तो डी डायरेक्टली एफ से बात कर सकता है जैसे मेरे डायग्राम में डी को डायरेक्टली किससे बात करनी थी जी से बात करनी थी ठीक है सो यहाँ पे हम ने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए फर्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर चेंज सेकेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लांक ओके सो एंड ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर्स and subordinates the formal lines of authority from being highest to lowest rank are known as scalar chain so highest to lower ranks pe a sabse highest pe hai theek hai aur baki lower ranks hai is known as scalar chain and communication that runs from top to bottom should be followed in managers and the subordinates theek hai so jaise scalar chain का एक और example मैं आपको देती हूँ तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि कई बार एमसीक्यूज में आपको ट्विस्ट करके पूछते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में पांच लोग थे ठीक है ये थे एम ये थे सी ये थे सी एफ ओ ये थे आ, मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फर्स्ट पर्सन और ये थे चेयर पर्सन, जो वोमेन डायरेक्टर रखना एक कंपलसरी है ना ये वो थे ठीक है न, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही पार्ट है नाउ मिडिल लेवल मैनेजर्स पे 15 मैनेजर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लोअर लेवल मैनेजर में 250 फिफ्टी 250 टू वर्कर्स हैं ठीक है और 15 सुपरवाइजर्स हैं मान लो ठीक है सो so, अगर इनको कुछ बोलना है ये अपने इन सुपरवाइजर को बोलेंगे फिर सुपरवाइजर वो चीज़ इनको कम्युनिकेट करेगा फिर ये जाके इनको कम्युनिकेट करेंगे कोई भी जो चेन ऑफ अथॉरिटी है ना वो तोड़ेगा नहीं यानी कि आप अपनी लाइन क्रॉस मत करो आपको जिससे बात करने बोला गया है आपको उसी से बात करनी है ताकि काम स्मूथली हो पाए आप हर किसी से हर वक्त काम डिस्कस करोगे तो काम नहीं होगा पंचायत ज़्यादा होगी तो इसको बोला स्केलर सेन का म्यूंसिपल बट रियल लाइफ में क्या ऐसा हो पाता है कि अगर मुझे डायरेक्टली यहाँ पे जाना है और मैं यहाँ पे काम करती हूँ तो मैं डायरेक्ट बात करूँ नहीं हो पाता आई हैव टू फॉलो द प्रॉपर चेन मुझे एक प्रॉपर पर्सन है जिनको मेरे को रिपोर्टिंग करनी है एंड मैं उसके बाद ही उनसे मेरे बॉस से बात कर सकती हूँ ठीक है एंड येस यू कैन शेड्यूल मीटिंग्स तो रियल लाइफ में भी स्केलर चेन फॉलो होता है एंड गैंग प्लैंग सिचुएशनस भी फॉलो होती हैं कुछ बहुत एक्स्ट्राडनरी हो जाए कि एम से बात किए बिना तो बात ही नहीं बनेगी तब गैंग प्लैंग फॉलो कर लो ओके सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर चेन नाउ ऑर्डर आपने कभी बुक शेल्फ देखा है कि ऐसे बुक्स कितनी प्यारी सी ऑर्डर में पड़ी होती है बुक शेल्फ में और मन करता है रीड करने का सेम गोज़ विद वर्किंग जिस जो जहाँ चीज़ रखी है उसको वहीं रखे रहने दीजिए ठीक है तो इसको बोलते हैं ऑर्डर हर चीज़ ऑर्डर में होनी चाहिए अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी स्टेप्स फिक्स होनी चाहिए ठीक है सो अकॉर्डिंग टू फ्यूल पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सूटेबल प्लेसेज एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशियंसी ठीक है मैक्सिमम एफिशियंसी का यहाँ पे क्या मतलब है कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन अचीव हो ओके द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट दैट अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एवरी वन एंड एवरी थिंग एवरी वन इन इट्स हिज और हर प्लेस यानि वर्कर की जो जगह है वो वहीं काम करें कुछ सामान रखा है मशीन है वो वहीं रखी रहे जहाँ वो रखी है रॉ मटेरियल जहाँ रखते हैं वहीं रखा रहे सो so, हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह है उस ऑर्डर को फॉलो करो ओके okay? अगर हमने ऐसा फॉलो कर लिया होता हमारी रियल लाइफ में तो आज हमारे घर कितने क्लीन होते हैं और रूम कभी मैसे ही नहीं होता ना हो लेट्स प्रोसीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी अब इस इमेज को देखिए कि ये तीनों बॉक्सेज सेम है एकदम अगर ये वाला लड़का चाहे तो ये यहाँ पर खड़े हो सकता है बट नहीं ये तो डिब्बे पे चढ़ के बैठा है तो इस वाले को तो मैच दिख ही नहीं रहा ठीक है नाउ इस वाले इमेज को देखिए ये जमीन पे खड़े हो गया इसको एक बॉक्स एंड इसको दो बॉक्स अब तो सही हो गए बिल्कुल एंड इस वाली को देखिए लास्ट वाली को कि बॉक्सेस ही हटा दिए ठीक है तो यहाँ पर क्या है ये इक्विटी है कि आप सबको बराबर तरीके से आको और यहां पर लिबरेशन फ्री रखो थोड़ा ताकि काम अच्छे से हो पाए सो गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल हु शुड बी ट्रीटेड फेयरली एज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू फ्यूल एक केस स्टडी थी आपके ट्वेल्थ के करिकुलम में जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें बोला गया था कि एक वर्कर है हु केम वर्किंग इन इंडिया ठीक है तो उनका ना कलर थोड़ा सा डार्क था उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा डार्क था ठीक है सो एक जो कोवर्कर थी उन्होंने बोला ओ यू लुक सो डार्क वट डू यू अप्लाई दिस दिस ऑयल ऐसे तरह से उनको ना बहुत ज्यादा बुरा फील करवाया सो so, उनने बोला नो मतलब सैवेज आंसर्स भी नहीं दिए क्योंकि वो थोड़ी सी शांत स्वभाव की थी तो इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ वो जवाब नहीं दे पाएँ और जवाब दें भी क्यों उसने ऐसा किया कि वो फ़र्स्ट वो गलत थी नाउ सेकेंडली एक और वर्कर हैं जिन मान लीजिए वो कोई पर्टिकुलर शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको अलग तरीके से आंक रहे हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि अरे तुम तो यहाँ रहते हो स्लम्स में रहते हो डोंट कम नियर एस डोंट कम नियर ऐसे ट्रीट करना गलत होता है सो हेनरी फ्योल ने बोला कि इक्विटी गुड सेंस होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए सबको फेयरली ट्रीट करो हर इंसान ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके वर्कर है जैसे हर बच्चा स्कूल के अंदर घुसते से ही एक स्टूडेंट है फ्रॉम वेयर ही बिलोंग डजेंट मैटर वॉट इज एजुकेशन एंड वॉट इज वर्क सेज मैटर्स ओके सो इसलिए हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल दिया नाउ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल अब क्या होता है मान लीजिए एक न्यू वर्कर आया ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है आजकल ये कल्चर बहुत ज्यादा चल रहा है सोचिए जो आज चीजें हैं उसके बारे में हेनरी फ्योल ने कितना पहले बता दिया था 1860s में तो देखिए एक न्यू वर्कर आया ऑर्गेनाइजेशन में बढ़िया से बिल्कुल एंथुसियाटिक पचास हजार की नौकरी लग गई इसकी ठीक है ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ था एक महीना काम किया बहुत अच्छे से इसी ऑर्गेनाइजेशन के दुश्मन उन्होंने सोचा कि अरे इनकी सेल्स अचानक से कैसे बढ़ रही है इतनी ज़्यादा तो पता चला कि ये वर्कर आया था नया इसलिए बढ़ रही है इनने इसको कॉल किया और बोला आप हमसे ना सत्तर हज़ार ले लो तो इसने सोचा वाई यार एक महीने काम करने में बीस हज़ार रुपये बढ़ गए तो इसने अपने मैनेजर से बोला सर मेरे को सेवेंटी थाउजेंड का ऑफर आया आई डोंट वांट टू वर्क हियर तो सर ने बोला ऐसे थोड़ी होता है आप अभी तो आए हो तो उनने बोला मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया आपके साथ में जब चाहूँ तब जा सकता हूँ आई एम गेटिंग अ इक्वल पे सो यही चीज़ होती है आजकल के ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड साइन करवाती है सो so यही बात बोली हेनरी फ्यूल ने स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल सो एम्प्लॉय टर्न ओवर शुड भी मिनिमाइज यानी इंप्लॉयज छोड़ के जाते हैं उसको कम से कम रखना है वो कैसे मिनिमाइज होगा जब आप एफिशेंसी अचीव करो अकॉर्डिंग टू फ्योल पर्सनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिगुरस प्रोसीजर बट वंस सिलेक्टेड दे शुड बी केप्ट एट देअर पोस्ट एंड पोजिशन फॉर अ मिनिमम फिक्स टेन्योर यहाँ पे ही हम बॉन्ड साइन करवाते हैं एंड दे शुड हैव द स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर अगर ऑर्गेनाइजेशन में टिका रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट्स तो क्वार्टर हो जाएंगे इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छे एम्प्लॉयज की ज़रूरत होती है पर ऑन दी अदर हैंड ऐसा नहीं है कि एक महीने में आप ट्वेंटी थाउजेंड की ग्रोथ एक्सपेक्ट करो आप उतना इंसेंटिव से अचीव कर लो आप अच्छा काम करके दो ठीक है इंसेंटिवस एंड बोनस की बात करो बट एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर पर्सन आपके साथ स्टेबल है आप उसे प्रमोशन करो आप उसको टाइम टू टाइम उसकी इंक्रीमेंट्स करो उसको बोनस दो इंसेंटिव्स दो तो ये ताली दोनों हाथों से बचती है एक हाथ से कभी ताली बचती है क्या नहीं बजा के देख लो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इनिशिएटिव। अब जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी मैं कौन हूँ प्रियंका मैम सो मैन आई जस्ट पास ट्वेल्थ इट इज अ रियल थिंग आई जॉइंड जॉइंड अ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी एज अ स्टूडेंट वहाँ मैं एक्सेल का वर्क करती थी ठीक है सो मैंने वहाँ की जो बॉस थी उनको बोला मैम जैसे अगर मुझे इंग्लिश की एक्सेल बनानी है इंग्लिश की कोर्स एक्सेल तो मैं इसको अलग बना रही हूँ फिर मैं एक और एक्सेल बना रही हूँ जिसमें मैं क्या कर रही हूँ साइंस की फिर एक और एक्सेल बना रही हूँ ऐसा क्यों ना करूँ एक्सेल में जो शीट्स का फीचर होता है ऐड वन ऐड टू एड थ्री एड फोर इसी में ऐड करती जाऊँ तो उन्हें पता है मुझसे क्या बोला उनने मुझसे बोला ज़्यादा अपना दिमाग मत चला ना ऐसे बोला उनने मुझसे सो so, कई बार ऐसा होता है कि इनिशिएटिव लेते हैं वर्कर्स को डाउन कर दिया जाता है सो इनिशिएटिव इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग सो वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान टू इम्प्रूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू फ्यूल अगर हम वर्कर को इंसेंटिव लेने देंगे तभी इनिशिएटिव लेने देंगे तभी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होगा अब फर्स्ट स्टेप ही सेल्फ मोटिवेशन होता है ओके आई एम टेकिंग ए इनिशिएटिव इट इज़ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान इट इज़ वन ऑफ द ट्रेड्स ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन आज ऑन्टरप्रीनियोरशिप तभी एग्जिस्ट करती है जब सब इनोवेशन कर रहे हैं और इनोवेशन तब होता है जब व्यक्ति क्या ले रहा है इनिशिएटिव ले रहा है सब चीज को रिलेटेड होती है ओके स्टूडेंट्स चलिए फर्दर मूव करते हैं द लास्ट पॉइंट एस्पिरिट डी कॉप्स अब आप ये वाली इमेज देखिए हम साथ साथ हैं टाइप की इमेज है ठीक है वन लव बन गया आपका जेंदरीज का सो एस्पिरिट डी कॉब्स क्या बोलता है अलग अलग मत चलो टीम स्पिरिट अगर टीम आगे बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी वही इंडिविजुअल मत करो इंडिविजुअल इंटरेस्ट की तरह मत देखो ना सो मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट एंड यूनिटी एंड हार्मनी अमोंग द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू फ्यूल पता है हर इम्प्लॉय के मन में ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा निकलना चाहिए ये मेरी टीम है आई बिलोंग टू दिस टीम और यही होता है एस्पिरिट डी जो कि हाईलाइट करता है टीम स्पिरिट को ओके स्टूडेंट्स सो दैट्स ऑल फॉर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैं आपको इसका क्वेश्चन सेट भी प्रोवाइड करूँगी आई क्वांटा का कोर्स यू ई टी यू जी का चल रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव का इफ़ यू वॉन्ट यू कैन सब्सक्राइब टू द ईयर लॉन्ग बैच इसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव क्लासेस, ट्वेंटी फोर सेवन डाउट क्लियरिंग सेशन इसके साथ साथ वी प्रोवाइड यू ऑल द थिंग्स डाउट क्लियरिंग सेशनस आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं एंड अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग्स भी हैं जब एग्जाम पास आ जाता है तो क्रैश कोर्सेज भी हैं और इसके साथ साथ जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो वन ईयर तक वैलिड है आपको कंटिन्यूस मेंटरिंग सपोर्ट कॉलेज गाइडेंस और इन लोगों से आपको गाइडेंस मिलती है जो ऑलरेडी उन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं या जॉब्स में हैं जो आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं ओके सो आपको प्योर कंप्लीट पैकेज मिलेगा हमारे मॉक्स आप देख सकते हैं पास्ट ये पेपर्स रिजल्ट्स आप देख सकते हैं इस वाले में कि हमने इतने एक्सिलेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं इसके अलावा नो आज ब्लॉग ऑफलाइन सेंटर्स ये सब कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जो आप जाएं गूगल पे टाइप करें आई क्वान्टा डॉट इन स्लैश सी यू ई टी एंडफ यू हैव इफ यू वॉन्ट एनी सपोर्ट द नंबर्स एंड द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो रीच आउट टू अस थैंक यू सो मच सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट